गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अवर अनदर इंसेक्टिसाइड मेलेथायन मेलेथायन जो है वो आपका एक फास्फोरस पेस्टिसाइड है एंड इट इज मैन मेड इंसेक्टिसाइड दैट इज यूज टू कंट्रोल अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ठीक है इट इज़ एन इंसेक्टिसाइड ऑफ रिलेटिवली लो ह्यूमन टॉक्सिसिटी हूमेंस के लिए जो है ये जो है इसकी टॉक्सिसिटी वो बहुत ही कम है ठीक है इसीलिए हम इसको जनरली यूज़ करते हैं इट इज़ अ कलरलेस टू अंबर लिक्विड मीन्स लाइट येलो लिक्विड विद अ गार्लिक लाइक ऑर्डर जो इसकी स्मेल है वो जो आपकी लहसन जो आपके होता है गार्लिक होता है उस टाइप की इसकी स्मेल होती है तो इट इज़ एन ऑर्गेनोफास्फेट इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनोफास्फेट इंसेक्टिसाइड्स कैसे एक्ट करते हैं वो बाइंड कर लेते हैं एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स को नर्व एंडिंग्स पे ठीक है जिससे क्या होता है जिससे न्यूरो जो आपका एसिटाइल कोलाइन है वो आपका डिसरप्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी जो है इवेंचुअली जो आपका इंसेक्ट है उसकी आपकी डेथ हो जाती है ठीक है यानी इंसेक्ट्स को ये किल कर देता है तो ये जनरली ऑर्गेनो जो आपका फास्फेट पेस्टिसाइड्स हैं या कार्बामेट्स हैं तो ये आपका एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इन्हीबिटर की तरह एक्ट करते हैं और जिससे कि आपका जो एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है तो वो आपका उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से जो इंसेक्टिसाइड है वो आपका किल हो जाता है ठीक है तो ये जो मेलेथायोन है इसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है इस मेलेथायन को आपने प्रिपेयर करना है बाय एडिशन ऑफ ओर्थो ओर्थोडैश डाई मिथाइल डाई था एसिड किस पे ऐड करना है ये आइदर डाई मिथाइल डाइथाइल फ्यूमरेट पे करेंगे या डाईथाइल मेलिएट पे करेंगे मेलिएट भी ले सकते हो मेलिएट आपका सिस मेलिक एसिड होता है सिस आइसोमर होता है और फ्यूमरेट जस्ट आपका उसका ट्रांस आइसोमर होता है ठीक है तो ओर्थो ओर्थोडैश डाई मिथाइल डाई था एसिड जो आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है वो भी आपको प्रिपेयर करना है वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाई रिएक्टिंग फास्फोरस पेंटा पेंटासल्फाइड with methyl alcohol methyl कोहल न, पे फास्फोरस पेंटासल्फाइड की रिएक्शन करनी है तो आपका ओर्थो ओर्थो डैश डाइमिथाइल डाइथायो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा और फिर उसके बाद आपने जो है इसके रिएक्शन करनी है विद डाइथाइल मेलिएट और फ्यूमरेट तो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये आपका मेलेथाइन है तो मेलेथायोन में आपको पता है ये जो है आपका फास्फोरिक एसिड आपका क्या होता है जस्ट ए मिनट ये आपका अगर मैं बात करूं तो ये फास्फोरिक एसिड है तो डाई थायो हमने एक ऑक्सीजन से यहाँ रिप्लेस किया एक ऑक्सीजन से यहाँ रिप्लेस किया ये आपका ओ OH एच होता है ओ OH एच होता है ये आपका फास्फोरिक एसिड होता है तो वहाँ आपने ओ OH, एच जो है उसके हाइड्रोजन से आपने रिप्लेस कर रखे हैं बाई सी एच थ्री सी एच थ्री तो ये आपका हो गया ओर्थो डैश आपका डाई मिथाइल ठीक है और ये आपका जो ऑक्सीजन्स हैं वो आपने रिप्लेस कर रखे हैं बाई सल्फ़र तो ये का हो गया डाई थायो, और ये जो आपका है ये आपका क्या हो गया इथाइल मेलिएट आपका हो गया ठीक है तो इनकी आपने रिएक्शंस करनी है तो देखिए कैसे करनी है आपने ये देखिए तो सबसे पहले आपको ओर्थो औरथोडैश डाई मिथाइल डाई थायो एसिड बनाना है कैसे बनाना है फास्फोरस पेंटा सल्फाइड की रिएक्शन करनी है विद मिथाइल एल्कोहल ठीक है तो आपका ये बन जाएगा ओर्थोर्थोडैश डाई मिथाइल डाई थायो फास्फोरिक एसिड जिसमें आपका क्या है पी डबल बॉन्ड एस है ये आपका और ये आपका एस एच हो गया और ये आपके जो ओ एच ओ एच जो है दैट आर ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री डाइमिथाइल ओर्थो ऑर्थोडैश डाइमिथाइल तो ये ओर्थो ऑर्थोडैश डाईमिथाइल सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिए डाइमिथाइल डाईथाओ फास्फोरिक एसिड आपने लिया तो इसके ऊपर मैं डाइथाइल मेलिएट की रिएक्शन दिखा रही हूँ इसी साइस मैंने दिखाया है तो अगर ये सी एच सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ एच एच होता तो ये आपका मैलिक एसिड था और एच एच की जगह हमने इथाइल लगाए हुए हैं दो तो ये डाइथाइल मेलिएट हो गया ठीक है तो डाइथाइल मेलिएट के आपने इससे रिएक्शन करनी है तो आपका क्या होगा ये आपका हो गया ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री पी डबल बॉन्ड एस एस ठीक है और ये आपका हो गया सी एच सी एच ये सिंगल डबल बॉन्ड था ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे सी एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव ये आपका क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है मेलेथायन ठीक है तो uh, देखा आपने फिर मेले कैसे बनाया ओर्थो एसिड आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करना है बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटासल्फाइड विद मिथाइल एल्कोहल और इसकी फिर आपने रिएक्शन करनी है विद डाइथाइल मेलिएट या फ्यूमरेट एंड यू विल गेट मेले तो मेलेथायोन जो है इसका क्या यूज़ है इसका जो है मैंने आपको बताया था कि ये एक मैन मेड इंसेक्टिसाइड है जिससे आप लॉट ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो इंसेक्ट्स को आप किल कर सकते हैं इससे मॉस्किटोज को फ्रूट फ्लाइज को और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो कि हमारे क्रॉप्स को हमारे लैंडस्केपिंग प्लांट्स को श्रब्स को हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं उनको आप किल कर सकते हो ठीक है तो और पेट्स पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हो दे कैन बी यूज टू किल फ्लीज एंड टिक्स पेट्स ठीक है पेट्स पे आपके जो आ, फ्लीज है जुए हैं टिक्स हो जाती हैं आपकी आ, तो उनको आप किल करने के लिए मेलेथायन आप यूज कर सकते हो देन हेड लाइस हेड लाइस ऑन हमारे हूमेन बींग्स में जो है आपका आ, जो आ, जुएं पड़ जाती हैं सिर में तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी लेस टॉक्सिक टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स ठीक है एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ फॉर कंट्रोल ऑफ वेक्टर वैक्टरबोन डिजीजेज सच एज़ मलेरिया मलेरिया वगैरह को किल करने के लिए हम फ्यूमिगेशन करते हैं उसमें भी आपके मेलथायन के पेपर्स आपके यूज होते हैं राइट right? so this was all about melithion thanks for watching the video thank you